हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे आसानी से याद रखते हैं वो नहीं देखा है वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक करें और उसको देख लें पहले, क्योंकि जो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ही बेस्ड है। ठीक। तो जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑन एंगल्स। तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी होती हैं जिनमें उनके एंगल्स दिए होते हैं साथ में। ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होता है। ठीक। तो हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो वो डायरेक्टली वैल्यूज हम वहां से इसमें पुट करेंगे और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक। तो जो इसका पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होगा जिसमें हमारे पास खूब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी होंगी अलग अलग एंगल्स पे, और हमें डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10 square 45° होल अपॉन sin² 30° प्लस cos² 30°। ठीक है। तो अब हमें इनकी वैल्यूज अगर याद है तो हम डायरेक्टली इसको इसमें रख सकते हैं। तो 5 यहाँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, होल अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये एक्सप्रेशन फर्दर सॉल्व करके हो जाएगा 5 × 1/2 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है। तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन 4/4। नीचे का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया 4/4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक। तो नीचे क्या बचा, 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका ऊपर वाली टर्म का भी हमने एलसीएम ले लिया, तो 12 इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम ले लिया, तो बाकी पर्टिकुलर वैल्यूज से इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई ऊपर, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक। तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 67 अपॉन 12। अब इसी टाइप 2 में एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती है हमें, और हमें उसके एंगल्स निकालने के लिए पूछा होता है। ठीक। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ टैन ब्रैकेट में ए प्लस बी, जो कि उसके एंगल का काम कर रहे हैं, इक्वल टू √3 दिया हुआ है, एंड टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यूज दी हुई है, और उसकी दो अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, हमें ये निकालना है कैलकुलेट करके कि वो किस एंगल्स पे ये उसकी वैल्यूज है। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हमें ए और बी जो उसके एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले जो हमें वैल्यूज दी हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें टेन ए प्लस बी √3 के इक्वल दिया है, और इसी टाइप से टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। ठीक है। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे टेन की वैल्यूज को ही देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि टेन की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर हमें याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि √3 जो वैल्यू होती है टेन की वो 10 60° पे होती है। ठीक। इसी टाइप से इस तरफ हम देख लेंगे 1/√3 वैल्यू कहाँ पे होती है टेन की, 10 30° पे। अब ये जो वैल्यू थी ये चेंज होके हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह 10 60°, और यहाँ पे टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 की जगह 10 30°। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों तरफ टैन का ही एंगल कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहां से टैन हटा लेंगे दोनों तरफ से, तो ये ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा इधर, और सिमिलरली यहां पे भी टैन दोनों तरफ से हटा लेंगे, तो यहां पे ए माइनस बी इक्वल टू 30° हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए प्लस बी इक्वल टू 60° एक इक्वेशन, और ए माइनस बी इक्वल टू 30°। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेते हैं, और इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल को हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से ही दोनों वेरिएबल सेम है, और एक जगह बी पॉजिटिव का है और एक जगह नेगेटिव का है, तो इसमें साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐड कर लेंगे इन दोनों को, और यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, तो उससे हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक। तो यहां से ये प्लस का भी, ये माइनस का भी, ये दोनों कैंसिल,
ये a प्लस ए 2a हो गया और ये 60 प्लस 30 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑन एडिंग लिख लेना क्योंकि हमने इसे ऐड किया, तो यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो a इक्वल टू आ जाएगा 90 बाई 2, तो ये 90 बाई 2 हो गया 45 डिग्रीज। अब इस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू रख लेंगे उसमें तो b आ जाएगा, तो a की वैल्यू हम पहली वाली में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो यहां से b अगर हम कैलकुलेट करें तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक। तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री और b हमारे पास आ गया 15 डिग्रीज, ठीक है। बाकी टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।